तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी। होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेंगे। तो भाई आज की वीडियो का थंबनेल टाइटल आप लोगों ने देख लिया, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फ्री फायर की कंट्रोल सेटिंग के बारे में बात। तो चलो भाई अभी हम बात करते हैं कि कंट्रोल सेटिंग होती क्या है। तो भाई देखो, फ्री फायर के अंदर कंट्रोल सेटिंग वो सेटिंग होती है जिनको अगर आप लोग सही तरीके से यूज करना सीख गए तो उस टाइम पर आप लोगों का 90% जो गेम प्ले वो इम्प्रूव भी होगा। आप लोगों के अगर बन टैप नहीं पड़ते या फिर आप लोगों के शॉट नहीं पड़ते या फिर आप लोगों की फ्री फायर के अंदर मूवमेंट स्पीड बहुत स्लो है या फिर आप लोग अच्छे तरीके से गेम प्ले नहीं कर पाते, आप लोगों की जो कंट्रोल सेटिंग होती है आप लोग गेम प्ले को इजी बनाने में हेल्प करती है। तो आज की इस वीडियो में आपको कंट्रोल सेटिंग के कुछ मेन मेन पॉइंट है उनके बारे में बताने वाला हूं। तो मेरी तुम सभी से आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे कहने से आज की वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। तो चलो गाइस बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूं या फिर जो कुछ भी दिखाने वाला हूं उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से ही समझना है। जैसे आप लोग अपने कंट्रोल सेटिंग के अंदर आते हो, यहाँ पर आप लोग को सेकंड नंबर का जो ऑप्शन होता है उसका नाम होता है लेफ्ट फायर बटन। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक तो होता है आप लोग का ऑलवेज और दूसरा होता है आप लोग शो वैन स्कोर। तो आप लोग इसे ऑलवेज पर सेट करना या फिर सो वैन स्कोप पर सेट करना है। देखो अगर आप लोग इसे सो वैन स्कोप पर सेट करते तो उस टाइम पे क्या हो कि आप लोग का जो गेम होता है गेम के अंदर आप लोग जब भी किसी बंदे पे जूम करोगे तो उस टाइम पे आप लोगों के फ्री फायर के अंदर एक एक्स्ट्रा फायर वाला बटन आ जाएगा। अगर जैसे आप लोग अपनी गन का जूम बंद करोगे तो उस टाइम पे आप लोगों का जो फायर वाला बटन होता है वो वहां से हट जाएगा। लेकिन अगर आप लोग लेफ्ट फायर बटन को हमेशा ऑलवेज पर सेट करोगे तो उस टाइम पे क्या हो कि आप लोग चाहे जूम करो या मत करो, ठीक है, आप लोगों को जो लेफ्ट फायर वाला बटन होता है आप लोगों को एक्स्ट्रा फायर वाला बटन देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को हमेशा वो वहां पर दिखाई देगा। तो देखो अगर आप लोग थ्री फिंगर खेलते हो या फिर आप लोग फास्ट स्पीड में ग्लू बॉल लगाना चाहते हो तो उस टाइम पे आप लोगों को हमेशा अपना जो लेफ्ट फायर वाला बटन होता है उसे ऑलवेज पे ही सेट करके रखना है। तो यहां पर तीसरे नंबर की जो सेटिंग है उसका नाम है होल्ड फायर टू स्कोप, और ये सेटिंग सिर्फ और सिर्फ AWM गन में ही वर्क करती है। तो यहां पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक तो होता है आप लोगों का ऑफ वाला और दूसरा होता है आप लोगों का ऑन वाला। तो अभी हम बात करते हैं कि आप लोगों को होल्ड फायर टू स्कोप को ऑन रखना है ऑफ रखना है, ऑन करने पर क्या होगा और ऑफ रखने पर क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसे ऑन करने पर देखते हैं कि होल्ड फायर टू स्कोप के साथ होता क्या है। तो अगर आप लोग होल्ड फायर टू स्कोप को ऑन करोगे उस टाइम पे अगर आप लोग के हाथ में AWM है या फिर कोई भी स्नाइपर गन है तो जैसे ही आप लोग अपने फायर वाले बटन पर क्लिक करोगे तो आप लोगों का ऑटोमेटिक जो जूम वाला बटन होता है वो ऑन हो जाएगा, और जैसे ही आप लोग अपने फायर वाले बटन को छोड़ोगे तो उस टाइम पे आप लोग की गन से ऑटोमेटिक ही फायर हो जाएगी। अगर आप लोग किसी बंदे को नहीं मानना चाहते हो फिर आप लोगों ने जूम करके रख रखा है तो आप लोगों को यहाँ पर एक क्रॉस वाला बटन भी देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग फायर नहीं करोगे तो आप लोगों को क्रॉस वाले बटन पर क्लिक कर देना। देखो अगर आप लोग होल्ड फायर टू स्कोप को ऑन करके रखते हो तो उस टाइम पे अगर आप लोग के हाथ में स्नाइपर गन है तब आप लोग अपने फायर बटन पर जैसे ही क्लिक करोगे आप लोग गन का ऑटोमेटिक जूम ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग होल्ड फायर टू स्कोप को ऑफ करते तो उस टाइम पे आप लोग फायर बटन पर क्लिक करोगे तब आप लोग का जूम ओपन नहीं होगा। जैसा कि यहाँ पर आप लोग गेम प्ले में देख पा रहे हो कि मैंने अपना होल्ड फायर टू स्कोप को ऑफ करके रखा है, तो उस टाइम पे मैं अपने फायर बटन पर कितना भी प्रेस कर रहा हूँ मेरा जो जूम है वो ओपन नहीं हो रहा है। इसके लिए मेरे को खुद से जूम ओपन करना पड़ेगा जहां पर आप लोग को जूम वाला बटन दिखाई दे रहा है। अभी हम बात करते हैं कि आप लोग होल्ड फायर टू स्कोप को ऑन रखना है ऑफ रखना है। तो आप लोग को हमेशा होल्ड फायर टू स्कोप को ऑन पर ही सेट करके खेलना है। चलो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट सेटिंग के बारे में बात। तो नेक्स्ट सेटिंग है वो है आप लोगों की क्विक वेपन स्विच। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक तो होता है आप लोगों का ऑफ वाला और दूसरा होता है आप लोगों का ऑन वाला। तो कहते हो अगर आप लोग इसे ऑन करते हो उस टाइम पे आप लोगों को एक एक्स्ट्रा बटन देखने को मिलता है, यानी आप लोग जो यहाँ पर ये बटन देख रहे हो इस बटन पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे आप लोग अपनी गन को ऑटोमेटिक स्विच कर सकते हो, यानी आप लोग को ऊपर से गन स्विच करने की जरूरत नहीं है, आप लोग इस बटन पर क्लिक करके अपनी गन को स्विच कर सकते हो। चलो अभी हम बात करते हैं कि आप लोगों को इसे ऑफ रखना है ऑन रखना है। तो आप लोगों को क्विक वेपन स्विच को हमेशा ऑन पर ही सेट करना है। उसके बाद आप लोग की नेक्स्ट सेटिंग है वो है आप लोगों की क्विक रिलोड। तो क्विक रिलोड के अंदर भी आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक तो होता है आप लोगों का ऑफ वाला और दूसरा होता है आप लोगों का ऑन वाला। तो अगर आप लोग क्विक रिलोड को ऑन पर करके रखोगे तो उस टाइम पे आप लोगों की जो कस्टम एचडी होती है उसके अंदर आप लोगों को एक एक्स्ट्रा बटन देखने को मिलेगा। तो उससे होता क्या है कि आप लोग जब भी अपनी गन को रिलोड पर क्लिक करोगे तो आप लोग यहीं से सीधा क्लिक करके अपनी गन को रिलोड कर सकते हो। अगर आप लोगों का क्विक रिलोड ऑफ होगा तो उस टाइम पे होता क्या है कि आप लोगों को अपनी गन का जो रिलोड होता है वो ऊपर से करना पड़ता है। लेकिन अगर आप लोग इसे ऑन करके रखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक्स्ट्रा बटन देखने को मिलता है जिस पर क्लिक करके आप लोग अपनी गन को रिलोड कर सकते हो। आप लोगों को हमेशा अपना जो क्विक रिलोड वाला ऑप्शन होता है उसे ऑन पर सेट करना है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सेटिंग के बारे में बात। तो नेक्स्ट सेटिंग है आप लोगों की रिलोड प्रोग्रेस ऑन क्रॉस हेयर। तो आप लोगों को इसे ऑफ रखना है ऑन रखना है। जब आप लोग फ्री फायर के अंदर रिलोड प्रोग्रेस ऑन क्रॉस हेयर को ऑन पर सेट करके रखोगे तो उस टाइम पे होता क्या है कि जब आप लोग अपनी गन को रिलोड पर करोगे तो उस टाइम पे आप लोग की जब गन रिलोड होगी तो वहां पर एक साइन बन के आएगा कुछ इस तरीके का। और अगर आप लोग इसे ऑफ पर सेट करोगे तो उस टाइम पे आप लोग जब गन को रिलोड करोगे तो आप लोग गन के ऊपर या फिर आप लोग के आसपास कोई भी साइन बन के नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग नहीं पता लगा सकते कि आप लोग गन को रिलोड कर रहे हो या फिर आप लोग गन रिलोड हुई है नहीं। यहाँ पर आप लोग जो नेक्स्ट सेटिंग है उसका नाम है ऑटो स्विच गन। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक तो होता है आप लोगों का ऑफ वाला और दूसरा होता है आप लोगों का ऑन वाला। यानी अगर आप लोग ऑटो स्विच गन को ऑन करोगे तो उस टाइम पे क्या होगा, अगर आप लोग की ऑफ होगी तो उस टाइम पे क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसे करते हैं ऑन पे सेट। तो देखो अगर आप लोगों ने ऑटो स्विच गन को ऑन पे सेट करके रखा है तो उस टाइम पे होता क्या है कि जब आप लोग फ्री फायर के अंदर कोई गेम खेल लो उस टाइम पे अगर आप लोगों की गन के अंदर 2 एमओ है या फिर आप लोगों की गन के अंदर 1 ही एमओ बची है, अगर आप लोगों ने वो फायर कर दी उसके बाद आप
आप लोगों की ऑटोमेटिक दूसरी गन आपके हाथ में आ जाएगी। अब जैसे कई कई बार आप लोगों के साथ होता क्या है कि आप लोगों की फ्री फायर के अंदर गोलियां खत्म हो जाती है, उस टाइम पे आप लोग फायर करते हो तो उस टाइम पे आप लोग गन से गोलियां नहीं निकलती। लेकिन अभी के टाइम पर क्या होगा कि अगर आप लोग इसे ऑन पे सेट करके रखोगे तो आप लोग गन से अगर गोलियां खत्म होगी तो आप लोगों के हाथ में जो दूसरी गन है आप लोगों के हाथ में ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। अब देखो ये ट्रिक तभी वर्क करेगी जब आप लोगों की गन से बिल्कुल ही गोलियां खत्म हो जाएंगी। जैसे अगर आप लोग के बैग में 10 एमओ बचे और आप लोगों ने 10 एमओ खत्म कर दी तो उसके बाद आप लोग की दूसरी गन आप लोग स्विच कर सकते हो ऑटोमेटिक। तो चलो भाई अभी हम बात करते हैं कि इसे आप लोगों को ऑन रखना है ऑफ पे सेट करना है। तो आप लोगों को ऑटो स्विच गन को हमेशा ऑन पे ही सेट करना है। तो चलो भाई अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट सेटिंग के बारे में बात। तो नेक्स्ट सेटिंग है बॉयज आप लोगों की ग्रेनेड स्लॉट। तो यहां पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, पहला तो होता है आप लोगों का सिंगल स्लॉट और दूसरा होता है आप लोगों का डबल स्लॉट। अगर आप लोग सिंगल स्लॉट पर सेलेक्ट करते हो तो उस टाइम पर होता क्या है कि आप लोगों के फ्री फायर के अंदर एक ही स्लॉट मिलेगा, ठीक है, उसी स्लॉट के अंदर आप लोग की ग्लू बॉल रहेगी, उसी स्लॉट के अंदर आप लोग के नेड रहेंगे। लेकिन अगर आप लोग इसे डबल स्लॉट पर सेलेक्ट करते हो तो उस टाइम पर होता क्या है कि आप लोगों को नेड वाला स्लॉट अलग बन जाएगा और ग्लू बॉल वाला स्लॉट जो होता है वो अलग बन जाएगा। यानी आप लोग की एक ही चीज के अंदर सारी चीजें नहीं होंगी, अलग अलग आप लोगों के दोनों स्लॉट बन जाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को एक ही स्लॉट के अंदर सारी चीज रखनी है पर आप लोगों को अलग अलग स्लॉट चाहिए तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है। तो आप लोग इसे सिंगल स्लॉट भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर डबल स्लॉट भी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट सेटिंग के बारे में बात। तो वो होता है आप लोगों का ग्लू बॉल स्मार्ट थ्रो। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक तो होता है आप लोगों का ऑफ वाला और दूसरा होता है आप लोगों का ऑन वाला। तो अगर आप लोग इसे ऑन करोगे तब क्या होगा, अगर आप लोग इसे ऑफ करोगे तब क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग इसे ऑन करते तो उस टाइम पे आप लोग अपने गेम के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। जैसे कि आप लोग अपने ग्लू बॉल वाले बटन पर क्लिक करोगे तो आप लोग की जो ग्लू बॉल होती है वो ऑटोमेटिक ही लग जाएगी, आप लोगों को कोई भी एरिया चूज करने के लिए नहीं दिया जाएगा। आप लोग जैसे ग्लू बॉल पर दबाओगे आप लोग ग्लू बॉल ऑटोमेटिक लग जाएगी। अगर मैं आपको सिंपली में बोलूं तो अगर आप लोग इसे ऑन पर सेट करके रखोगे तो उस टाइम पे आप लोग अपने मन के हिसाब से ग्लू बॉल नहीं लगा सकते। आप लोगों को जैसे ग्लू बॉल पर क्लिक करोगे आप लोग की ग्लू बॉल ऑटोमेटिक ही लग जाएगी। लेकिन अगर आप लोग ग्लू बॉल स्मार्ट थ्रो को ऑफ करते तो उस टाइम पे होता क्या है कि आप लोग अपने मन के हिसाब से कहीं पे भी ग्लू बॉल लगा सकते हैं। आप लोग अपने एरिया को चूज कर सकते हो या फिर आप लोग को जहां पर भी ग्लू बॉल लगानी होती है वहीं पर ही आप लोग की ग्लू बॉल लगेगी। आप लोग जो स्मार्ट ग्लू बॉल थ्रो वाला ऑप्शन है इसे कभी भी आप लोग को भूल के भी ऑन नहीं करना, ठीक है, इसे तो परमानेंट ही आप लोग को ऑफ कर देना। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट सेटिंग के बारे में बात। तो भाई नेक्स्ट सेटिंग है बॉयज आप लोग की ऑटो पैराशूट। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक तो होता है आप लोग का ऑफ वाला और दूसरा होता है आप लोग का ऑन वाला। तो देखो अगर आप लोग इसे ऑफ पे सेट करके रखोगे तो उस टाइम पे होता है जब आप लोग पैराशूट से जंप करोगे तो उस टाइम पे आप लोग को अपना जो पैराशूट होता है उसे खुद ओपन करना पड़ता है। लेकिन अगर आप लोग इसे ऑन पे सेट करके रखोगे तो उस टाइम पे आप लोग जैसे नीचे आओगे तो ऑटोमेटिक ही आप लोगों का पैराशूट ऑटोमेटिक ही खुल जाएगा। तो इसे आप लोगों को हमेशा ऑन पे सेट करके रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ बीआर रैंक मैच के लिए ही वर्क करता है, ठीक है, अदरवाइज आप लोगों को पैराशूट की जरूरत और किसी गेम के अंदर नहीं। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट सेटिंग के बारे में बात। तो बॉयज आप लोगों का रन मोड, रन मोड के अंदर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, क्लासिक, ड्रैग और मिक्स। तो अभी हम बात करते हैं कि आप लोगों को क्लासिक पे सेट करने पे क्या होगा, ड्रैग पे करने पे क्या होगा और मिक्स पे करने पे क्या होगा। लेकिन उससे पहले तुम सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, देखो एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, मैं आपको इसी लेके जेड तक पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके समझाता भी हूँ। और गाइस यहाँ पर तुमने देखा भी है कि अभी मैंने आपको जो कुछ भी समझाया उसमें मैंने आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके पूरा का पूरा डिटेल में ही समझाया। तो है। इसके बदले बस आपके थोड़े सपोर्ट की जरूरत है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक वाला बटन दबा देना, चैनल पर अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। अब यार देखो ना तो लाइक करने के पैसे लगते हैं और ना ही सब्सक्राइब करने के पैसे लगते हैं। एक बार मेरे कहने से नीचे साइड देखो वहां पर आपको सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, सिंपली बस आपको उस पर प्रेस करना है। देखो आज से पहले मैंने कभी भी आपको कोई भी लाइक टारगेट नहीं दिया लेकिन आज की इस वीडियो को लाइक किए मैं 1000 लाइक। तो देखते हैं आप लोग कितनी जल्दी 1000 लाइक कंप्लीट करवाते हो। अगर आप लोग अपनी सेटिंग के अंदर रन मोड वाले ऑप्शन को क्लासिक पे सेट करते हो तो उस टाइम पे होता क्या है कि आप लोग जैसे फ्री फायर नॉर्मली गेम खेलते हो उस टाइम पे भी आप लोग नॉर्मली गेम प्ले कर पाओगे, यानी कि आप लोग अपनी जॉयस्टिक का भी यूज अच्छे तरीके से कर पाओगे। यहाँ पर आप लोग को रन वाला बटन भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप लोग जैसे अपने रन मोड को ड्रैग पे सेट करोगे तो उस टाइम पे आप लोगों की जो कस्टमाइज होती है उसके अंदर से एक तो आप लोगों को जो रन वाला बटन होता है वो गायब हो जाएगा, आप लोगों को अपनी जॉयस्टिक को ड्रैग करके अपने जो करेक्टर होता है उसको भगाना होगा। जैसा कि यहाँ पर आप लोग मेरी कस्टमाइज के अंदर देख पा रहे हो कि मेरा जो रन वाला बटन है वो यहाँ से गायब हो गया। लेकिन अगर आप लोग अपने रन मोड को मिक्स पे सेट करके रखोगे तो उस टाइम पे आप लोगों की कस्टमाइज के अंदर आप लोग अपनी जॉयस्टिक को ड्रैग करके भी अपने करेक्टर को रन करा सकते हो और यहाँ पर आप लोगों को रन वाला जो बटन है वो वापस से आ जाएगा। मिक्सड में आप लोगों को तीनों चीजें एक साथ देखने को मिलेंगी, एक तो होता है कि आप लोगों को रन वाला बटन भी आ जाएगा, आप लोग अपनी जॉयस्टिक को नॉर्मली भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग अपनी जॉयस्टिक को ड्रैग करते हो उस टाइम पे आप लोग करेक्टर ऑटोमेटिक रन करने लग जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग इन तीनों में से कोई सी भी एक सेटिंग चूज कर सकते हो, यानी आप लोग इसे चाहो तो क्लासिक पर सेट कर सकते हो, ड्रैग पर भी सेट कर सकते हो, मिक्स पर भी सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट सेटिंग देखने को मिलती है, उसका नाम होता है व्हीकल कंट्रोल। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं 200 और 100। तो अगर आप लोग इसे 200 पे सेट करोगे तो उस टाइम पे आप लोग गाड़ी चलाना आसान होगा, लेकिन अगर आप लोग इसे 100 करते तो उस टाइम पे आप लोग गाड़ी चलाना बहुत कठिन होगा। तो आप लोगों को व्हीकल कंट्रोल वाली सेटिंग होती है, इसके अंदर आपको हमेशा 200 पे ही सेलेक्ट करके रखना है। उसके बाद सबसे लास्ट में जो आती है वो होती है आप लोगों की विजुअल सेटिंग। तो विजुअल सेटिंग के अंदर सबसे पहला जो होता है वो होता है आप लोगों का क्रॉस हेड टाइप। तो इसे हमेशा आप लोग क्लासिक पे सेट करना, डैमेज इंडिकेटर को न्यू पे सेट कर देना, एटीमेटर को भी न्यू पे सेट कर देना, टीममेट इनपो को आप लोगों को ट्रांसल्यूसेंट
लूसेंट पे सेट कर देना है। ओके, एक और सबसे इंपोर्टेंट बात कि आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे जिनके पास ना तो टॉप करने के पैसे ना ही आप लोग के पास डायमंड लेने के पैसे, तो आज की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने एक वीडियो की लिंक पिन कर रखी जहां पर मैंने आपको प्रूफ के साथ बताया कि आप लोग फ्री फायर के अंदर फ्री में 2000 डायमंड किस तरीके से ले सकते हो। जाने से पहले मैं तुम सभी से वापस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखो सच में यार बहुत ज्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, तो अगर हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन याद से दबा देना और अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी को जाके आज की वीडियो शेयर कर देना। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।